देखने को मिलेगा, आपको लगता है ऐसा? बंसल साहब आते हैं इस पर पाकिस्तान पर चर्चा बाद में, पहले देश के चुनाव को लेकर जो रिजल्ट है उस पर आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है सर, मैं आता हूं दोबारा यूपी का जिक्र आप करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, यहां का एग्जिट पोल इस वक्त आ गया इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे की तरफ से। आपको बता दें कि 62 से 68 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही। अपना दल एस्को यानी अनुप्रिया पटेल को 1 से 2 सीटें और आरजेडी को यूपी आरएलडी को यूपी में 102 सीटें हैं। और इन सब के अलावा यूपी में सुभाषपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। घोषी पर इस बार टिकट दिया गया लेकिन वहां से जीत हासिल नहीं होती दिख रही। सपा को यूपी में 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त जताया जा रहा है। कांग्रेस को यूपी में 1 से 3 सीटें मिल सकती है, 1 सीट यानी रायबरेली। और अगर 3 सीट का अनुमान होता है तो मुझे लगता है कि सहारनपुर और एक और कोई सीट आ सकती है। इस तरीके से आंकलन है इस वक्त जो नंबर आपके सामने उत्तर प्रदेश को लेकर सचिन। लेकिन सबसे बड़ी बात को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो दावा किया था कि 80 का 80 टारगेट पूरा होगा वो शायद यहां पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसी पर सवाल लेते हैं नरेश जी से। नरेश जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 की टैली को टच करेगी निश्चित रूप से। 70 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। हाँ। नहीं सर, ये बताइए ना, 3 सीटें कांग्रेस की हैं, या तो सहारनपुर, या तो फतेहपुर, या तो रायबरेली, या तो अमेठी। इन चारों में से क्या है, अमेठी का क्या विश्लेषण आप लोगों का है? फतेहपुर सीकरी मेरे विश्लेषण में तो कांग्रेस रायबरेली भी हार के कगार पर है। लेकिन सर सर्वे में 1 से 3 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की और आप लोगों को यह नुकसान होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की भी 9 से 10 सीटों के आसपास। तो आपके सर्वे को बताना चाहिए कौन सी है। अरे मैं तो पूछ रहा, हम तो बताएंगे अभी आपको कि कौन सीटें हैं, ये 4 तारीख को भी बताएंगे। लेकिन 5 से 5 सीटें भी प्राप्त करेगी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सर देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 14 में आंकड़ा आपका अधिक था, 19 में थोड़ा कम हुआ। इसीलिए ये जो सर्वे अभी फिलहाल सामने आया उस आधार पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी जो आंकड़े आपने कहे थे 80 का 80 पूरा करने के लिए वो शायद पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जब आप 14 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे तो वो पूरा हो ही गया भाई। 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए चलते हैं। इसको आप डेंट मानते हैं नहीं? प्रशंसा नहीं करोगे क्या? ये जो सपा का नंबर बढ़ा है इसको आप डेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, आपकी अनुप्रिया दल वाली भी आ रही, अनुप्रिया पटेल वाली भी, इधर आरएलडी से गठबंधन का फायदा भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, मिलता दिख रहा है। लेकिन सपा का नंबर बढ़ गया जिसको आप लोग कहते हैं कि परिवार के जितने लोग हैं वही लोग जीत कर आते हैं। 2019 से मैं आपको बता रहा हूं सपा किसी भी कीमत पर 5 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। सर इतना बड़ा डिफरेंस, हम यहां पर बता रहे हैं 10 से 16 और आप कह रहे हैं 5 सीट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बीजेपी का सर्वे हो सकता है क्योंकि पिछली बार भी ये बात हुई थी, हालांकि बीजेपी कह रहे थे, लेकिन 10 से 16 सीटों के आसपास यानी भारतीय जनता पार्टी देखिए कुल मिलाकर ये है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे मार्जिन में है। हालांकि ये सर्वे अब तक है बीजेपी प्लस 67 जाती दिखाई दे रही है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक अच्छा खासा एक जो गठबंधन के जरिए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश थी बीजेपी, उसमें सफल होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी इस बार ज्यादा उम्मीद कर रहे थे लेकिन 9 से 10 सीटों के आसपास कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है नंबर बढ़ा तो डबल डिजिट में पहुंच सकती है। लेकिन बड़ी खबर है कि टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से आपको बताते हैं यूपी में एनडीए को 67 से 69 सीटें मिलती दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को यूपी में 10 से 11 सीटें। अगर इसके आधार पर कहा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों 10 से 11 में से मिट जा रही हैं। 80 सीटों का यह विश्लेषण जो डाटा अब तक सामने आया है, जो नंबर सामने आए हैं, ये टाइम्स नाउ सर्वे का है जिनमें लगभग 69-70 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। सचिन, तो नरेश जी देखिए पहले तो आंकड़ा 62 से 68 था, अब दूसरा ये सर्वे आया इसमें जो आंकड़ा है वो 67 से 69 एनडीए का पहुंच चुका है, यानी कि ये टाइम्स नाउ सर्वे, बिल्कुल टाइम्स नाउ सर्वे की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया है, तो संतुष्ट हैं आप इससे? मैं बता रहा हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम 2014 की टैली से 1 सीट फालतू लेंगे, कम नहीं लेंगे। बहुत मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, आपका सैंपल ठीक हो सकता है जी,
लेकिन रियलिटी आपको 4 तारीख को पता लगी। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं एक बात इस की होती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो वोटिंग हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ज्यादा हुई है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो उनकी तरफ से कार्य किए गए, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, माफिया मुक्त राज्य बनाने की बात उन्होंने कही, बीमारी मुक्त बनाने की बात कही उन्होंने, इसका ज्यादा असर देखने को मिला? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और जो प्रदेश से संबंधित मसले हैं, जिसका अधिकार क्षेत्र, कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो जो प्रदेश के मसले हैं उसमें योगी जी ने बेहतर काम करके दिखाया है पूरे देश भर के अंदर। आज हर वर्ग का कोई भी हो, मैं जाता हूँ गांव गांव में भी, तो लोग कहते हैं, महिलाएं कहती है कि आज हमको रात में आने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम 5 बजे के बाद सोचते थे कि कोई साथ में हो तो जाएं। अच्छा, योगी जी का असर है ये जो 70 सीटें आ रही है या मोदी जी का असर है? देखा है किस प्रकार से बंसल साहब, अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जो सरकार में जीत है इतनी बड़ी, हर सीट पर वो मोस्टली आप अलग अलग नहीं बांट सकते इसको, किसको मानेंगे, मोदी जी योगी जी का असर? मोदी जी योगी जी के भी नेता हैं, आपको समझना चाहिए इस बात को। ये डबल इंजन की सरकार जी ने जी जो काम किए हैं, हाँ, और जनता में जो विश्वास हुआ है, उसकी डिलीवरी लास्ट मैन तक हुई है, ये उसका परिणाम है। चलिए ठीक है, अब चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो संकेत दिए थे उसके बाद ये कहा जा रहा था या ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं जो केजरीवाल कह रहे हैं वो डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति। लेकिन चलिए, ये अच्छी बात है कि आप लोग भी मानते हैं कि योगी जी का जो राज्य में योगदान है और प्रधानमंत्री का जो योगदान केंद्र में है, जिससे राज्य को भी बेनिफिट होना पड़ता है, होते हैं, उसका ये फायदा साफ तौर पर दिख रहा है कि 70 सीटों के आसपास 69 सीटों के आसपास डबल इंजन सरकार ने काम किया, उसी का असर आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और यूपी तो वो राज्य है जहां से प्रधानमंत्री देता है, प्रधानमंत्री भी खुद गुजरात से जब बनारस आए उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो ये वो राज्य, अगर यहां पर इतने नंबर है सचिन, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए हर एक राज्य में अब एक बहुत अच्छी स्थिति, एक सम्मानजनक स्थिति से बहुत ऊपर जाने की संभावना साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि 69-70 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को यूपी में इस वक्त एनडीए को मिलते दिख रही हैं। बिल्कुल, और अगर यहां पर इतना ज्यादा असर, इतना अच्छा रिजल्ट जो है अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे लगातार रोड शो रैलियां कर रहे थे, वो अलग अलग राज्यों में भी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। नरेश जी का रुख करते हैं। नरेश जी, अब तक अगर हमने बात की, लगभग 10 से 11 राज्यों की हमने बात की है, 10 से 11 राज्यों का आंकड़ा अगर हम देखें तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि जनता का मैंडेट इस बार बीजेपी को है, जनता का मैंडेट जो है वो एनडीए को है, जनता का मैंडेट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को मिला है। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष तो अभी भी चैन से नहीं बैठेगा, विपक्ष तो तैयारियां ये शुरू कर चुका होगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या क्या बातें जो है वो करनी है। विपक्ष तो 4 तारीख का इंतजार कर रहा है, 4 तारीख का इंतजार कर रहा है। आपको लगता है कि इस बार भी ठीक रहा ईवीएम और किसी और नेता पर, या फिर जो बातें कही गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस्तीफा देंगे 4 तारीख के बाद, आपको लगता है ऐसा होगा कुछ? विपक्ष की दुविधा ये है कि पिछले 10 वर्षों में विपक्ष ठीक से विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाया। वो एसी रूम में बैठकर चाय पार्टी करते हैं और उसमें से कोई नैरेटिव निकालते, जैसे आज हुआ, 1.5 घंटे की खड़गे जी का चाय पार्टी और कह दिया 295 जीत कर आ रहे हैं, 1 घंटे में डिस्कशन हो गया, 1 घंटे में सबका हालचाल नहीं पूछा जाता। तो इस प्रकार के एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करना और ग्राउंड रियलिटी को समझना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। विपक्ष को चाहिए कि अपना आत्मलोकन करे कि कहां उसको जनता को समझने में दिक्कत हो रही है, कहां वो जनता की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और केवल प्रधानमंत्री को गाली देना विपक्ष बंद करे तो विपक्ष के हित में होगा। अच्छा नरेश जी, आप एक सवाल ये कि विपक्ष के तौर पर आप किसे देखते हैं आने वाले वक्त में? राहुल गांधी, जिसको सबने प्रेजेंट किया कि नहीं राहुल गांधी जो है वो विपक्ष का चेहरा है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, या और कोई नाम जो बीजेपी की पार्टी के अंदर खाने ये बातचीत होती हो
कि ये चेहरा या फिर ये पार्टी जो है वो मुश्किलें पैदा कर सकती है। क्या अभी भी कोई ऐसी बातें कोई चर्चा होती है? देखिए, हम मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं। किसी परिवार को स्थापित